बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 4 अदद, दो स्लाइसेस के 2 सैंडविच बनेंगे। उसके बाद मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ के, उसे बॉईल करके मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है एक दरमियाने साइज़ का, उसे भी चॉप कर लिया है। उसके बाद कटर मिर्च ले लें या रेड चिली पाउडर ले लें 1 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट हसबे ज़ायका जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। उसके बाद ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद शिमला मिर्च ली है, उसे भी चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4, उसे बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हरा धनिया लिया है मैंने फ्रेश। चलें अब सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं सैंडविच के लिए। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें आप बॉयल मैश किए हुए आलू ऐड कर दें। आलू ऐड करने के बाद आप इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दें जो आपके इंग्रेडिएंट्स में बताए थे, सूखा धनिया पाउडर, हरी मिर्चें चॉप की हुई, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, प्याज ऐड कर दें। इसके बाद शिमला ऐड कर दें और हरा धनिया फ्रेश। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लें। ध्यान रहे सारे स्पाइसेस आपके अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। हमारे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, चलें अब हम इसकी फिलिंग कर दें। इसके लिए सबसे पहले आप 2 स्लाइस ब्रेड के ले लें, उस पर आप सबसे पहले केचप लगा लें, आप मायनीज भी लगा सकते हैं। दूसरे स्लाइस पर भी लगा लें आप। केचप लगाने के बाद आपने जो फिलिंग तैयार की है वो लगा दें। एक साइज पर लगाने के बाद दूसरा साइज आप उसके ऊपर रख दें। अब हम इसे पैन में गरम करेंगे और हम दूसरे स्लाइसेस भी इसे साथ तैयार कर लेते हैं। ये हमारा एक स्लाइस तैयार हो चुका है। दूसरे स्लाइस पर भी आप केचप लगा लें। मैं इसके एक ही स्लाइस पर केचप लगा रहा हूँ। ब्रेड में फिलिंग वाली अच्छी तरह हो चुकी है दोनों स्लाइसेस में। अब हम इसे पैन में गर्म करते हैं। सबसे पहले आप एक तवा ले लें, उस पर आप ऑयल या घी ऐड कर लें। इसे थोड़ा सा गर्म होने दें, अच्छी तरह इसे फैला लें। और अब हम ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। दूसरा स्लाइस भी रख दें। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे गर्म करना है।
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें गर्म करेंगे, हीट करेंगे। अरे ब्रेड के स्लाइसेस हीट हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं अच्छी तरह। हमने ये गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ये अच्छी तरह हीट हो चुके हैं, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करने आपने इन्हें। चलें अब हम इन्हें सर्व करते हैं।